हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलीनवर कुरैशी और आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट और एंटीबायोटिक्स के बारे में बताइए। तो दोस्तों, स्कॉर्पियन बाइट के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया है, बट ये वीडियो में जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, टॉर्निकेट के बारे में हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। टॉर्निकेट मतलब जो रोप होती है, रस्सी होती है जो बाइट के ऊपर हम बांधते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। कि टॉर्निकेट बांधने के बाद जो है वो प्रॉपर जगह का, उस जगह का जिस जहाँ टॉर्निकेट बांधा है उसके नीचे की जो जगह है उस जगह का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है फ्रेंड। और ब्लड फ्लो बंद होने की वजह से क्या होता है, वहाँ का जो पॉइजन है या टॉक्सिक है वो वहाँ पर ही कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, वहाँ पर रुक जाता है और उसकी वजह से फ्रेंड्स वो जगह जो है नेक्रोस्ट हो जाती है और वहाँ पे टॉक्सिन्स इतने बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, बाद में से वो जगह जो है एकदम धुंधली या काली पड़ जाती है। मतलब उसको ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो होता है और वो जगह ऐसी हो जाती है। आप देख रहे हैं वहाँ पे एक रस्सी या दोरी बंधी हुई है, एक कपड़ा बांधा हुआ है एक उंगली एक फिंगर को, और ज़्यादा देर रहने की वजह से वो फिंगर नेक्रोस्ट हो चुका है। अब इस फिंगर को नेक्रोस्ट और गैंग्रेनस होने की वजह से इसको ये डोरी कट करने के पहले इसको कट करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो फिंगर अगर वहाँ पे वैसे ही रखा गया और वो जो रोप है या जो भी कपड़ा है उसको वैसे ही रखा जाएगा, काटा जाएगा, तो वो जो टॉक्सिन्स हैं उस जगह पे जो तैयार हुए हैं वो पूरे बॉडी में फैल जाएंगे फ्रेंड्स, और उसकी वजह से जो है पूरा इंसान जो है टॉक्सीमिया में जाता है और उसके फंक्शंस बदल कर वो डेथ भी हो सकता है। अभी स्नेक बाइट में भी या स्कॉर्पियन बाइट में भी सेम कंडीशन है कि बहुत से लोग टॉर्निकेट बांधने के लिए कहते हैं, बट मेडिकल साइंस में या प्रॉपर डॉक्टर या मेडिकल एडवाइस अगर लेंगे आप तो उसमें टॉर्निकेट का फ्रेंड्स बिल्कुल ही अवॉइड किया गया है। स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट में एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉर्निकेट ना बांधे। ट्रीटमेंट में इसका एक ही है कि अगर पॉइजनस है स्कॉर्पियन और स्नेक दोनों भी तो उसमें उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। स्नेक बाइट पॉइजनस है तो उसको एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है, उसको एट्रोपिन या न्यूस्टिकमिन भी कभी कभी दिया जाता है और उसको कभी कभी मैकेनिकल वेंटिलेटर भी सपोर्ट किया जाता है। स्कॉर्पियन बाइट में वो वही तरीके का है, एंटी स्कॉर्पियन बाइट दिया जाता है फ्रेंड्स, और उसमें भी एंटीबायोटिक्स और एनाफिलेटिक रिएक्शन अगर है तो उस हिसाब से हम ड्रग्स देकर पेशेंट को सेटल करते हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है एक लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच।